नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। हमारे देश का इतिहास रण बांकुरों की गाथाओं से पटा हुआ है। यहां देश की आजादी में योगदान देने वाले वीरों की कहानी हम सुनते आए हैं, जो कि जितनी बार सुनते हैं कर्णप्रिय और साहस से भर देने वाली होती है। लेकिन हम अपने विशेष कार्यक्रम में एक ऐसे वीर की कहानी बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से न केवल इसराइल का हाइफा आजाद हुआ, बल्कि आज भी इस हीरो की शहादत पर उस देश की सेना हाइफा डे मनाती है। इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे पाली के देवली गांव के शहीद दलपत सिंह की, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में ब्रिटिश सेना को धूल चटा दी। महज 900 सैनिकों के साथ ब्रिटिश सेना के 1.25 लाख सैनिकों को पराजित कर इसराइल को आजाद कराया। इस युद्ध में दो विरोधियों के बीच किसी भी तरह की समानता नहीं थी। एक ओर जहां ब्रिटिश सेना तोपों और मशीन गन से लैस थी, वहीं दूसरी ओर शहीद दलपत सिंह की सेना बंदूकों और तलवारों के बल पर ही मैदान में कूद पड़ी। एक घंटे के तूफानी युद्ध में शहीद दलपत ने ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन दुख और साथ ही गर्व करने वाली बात यह रही कि इस युद्ध में दलपत सिंह और उनके कई साथी शहीद हो गए। इसके बाद से इनकी शहादत के दिन इसराइल सेना और भारतीय सेना हर साल 23 सितंबर को हाइफा डे मनाती है। वहीं अपने इसराइल दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दलपत सिंह और उनके साथियों को श्रद्धांजलि देकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। इसराइल देश जो आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि उनके हाइफा शहर को आजाद कराने में किसका योगदान है? इसराइल के हाइफा शहर को आजाद कराने में पाली के देवली गांव के वीर सपूत दलपत सिंह शेखावत का योगदान है, जिन्होंने महज 900 सैनिकों के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना के छक्के छुड़ा दिए। हम अपने इस विशेष बुलेटिन में शहीद दलपत शेखावत की वीर गाथा, इसराइल के हाइफा शहर की आजादी और उनके जीवन के बारे में दिखाएंगे, जिससे आप ये जान सकेंगे कि हमारे देश के वीरों ने न केवल भारत की आजादी में ही बल्कि विदेशों में भी अपने शौर्य का झंडा बुलंद किया है और विदेशी धरती पर हर साल उन्हें सम्मान भी दिया जाता है। पीएम मोदी ने शहीद दलपत सिंह को दी श्रद्धांजलि। इसराइल में हाइफा शहीद स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे दलपत सिंह। दलपत सिंह के साथ 44 भारतीय जवान शहीद। 23 सितंबर को मनाया जाता है हाइफा डे। पीएम मोदी के इसराइल दौरे को खास माना जा रहा है, लेकिन राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए एक मायने में यह दौरा और भी खास हो गया जब पीएम मोदी पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हाइफा शहीद स्मारक जाकर उन 44 भारतीय जवानों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वहां शहीद हुए थे। वहां से निकलते समय गेस्ट बुक में पीएम मोदी ने लिखा, यहां आकर बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रथम विश्व युद्ध का शताब्दी समारोह दोनों देशों को और नजदीक लेकर आएगा। भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से
इसराइल के शहर को बचाने के लिए अपने प्राण बलिदान किए, उसकी मिसाल इतिहास में कहीं और नहीं है। राजस्थान के लिए पीएम मोदी के ये शब्द और भी खास हो गए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में राजस्थान के रहने वाले मेजर दलपत सिंह युद्ध के मुख्य हीरो रहे थे। उनकी बहादुरी के इस काम के लिए उन्हें हीरो ऑफ हाइफा का दर्जा दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि दलपत सिंह और उनकी सेना की बहादुरी हमेशा याद रखी जाएगी। ये उन 44 भारतीय सैनिकों की अंतिम विश्राम स्थली है। इस शहर को आजाद कराने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। इसी के तहत भारतीय सेना 23 सितंबर को हर साल इन रणबांकुरों की याद में हाइफा डे का आयोजन करती आ रही है। यह जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज का इंटरनेट हॉल है। इस बिल्डिंग को कभी देवली हाउस के नाम से जाना जाता था। बाद में यहाँ मग्नीराम बांगड़ सेठ ने इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराया। देवली पाली जिले में एक जगह है जहाँ के ठाकुर हरि सिंह के घर मेजर दलपत सिंह का जन्म हुआ था। बताया जाता है कि इस बिल्डिंग के इसी हॉल में दलपत सिंह का जन्म हुआ था। उनकी याद में यहाँ उनकी एक संगमरमर की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इस प्रतिमा पर यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, यहाँ पूजा अर्चना होती है और धूप अगरबत्ती भी यहाँ नियमित रूप से की जाती है। मारवाड़ में जैसा कि रिवाज है, युद्ध में शहीद होने वालों को स्थानीय भाषा में भूमिया जी या जुझार जी कहा जाता है, यानी एक तरह से उनको लोक देवता मान लिया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। हैफा में शहीद होने वाले मेजर दलपत सिंह को भी इसी तरह लोक देवता माना गया है। हर साल जो उनका पुण्यतिथि है वहाँ मनाई जाती है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उनके परिवार के लोग आते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, रक्तदान वगैरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। इसी हॉल में एक बड़ा प्रशस्ति पत्र लगाए पूरे बोर्ड पे, जिस पे दलपत सिंह ने किस तरह से हैफा में विजय प्राप्त की थी, इजराइल के हैफा शहर को उन्होंने जीता था। और पहले वो अपने जो अधिकारी थे, उस समय मुखिया थे सेना के प्रताप सिंह, उनसे वादा करके गए थे कि मैं हैफा जीत कर लौटूंगा, और वहीं वो लड़ते हुए शहीद हो गए थे। कई सैकड़ों सैनिकों, तुर्क की सेना के सैनिकों को उन्होंने बंदी बनाया था। 250 करीब तुर्क सैनिकों को उन्होंने मार दिया था। और यहीं पे एक बड़ा रंगीन चित्र उनका लगा है, जिसमें वो अपनी पूरी सैनिक पोशाक जो उस समय हुआ करती थी उसमें सजे हुए दिख रहे हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं कि यहाँ इस हॉल में जो इनका जन्म हुआ था, इस बारे में आपको जानकारी। 23 तारीख को यहाँ लोग आते हैं, समाज के लोग आते हैं। यहाँ आकर लोग क्या करते हैं? 23 सितंबर को इनके दिवस के दिन लोग आते हैं, समाज के और अन्य समाज के भी आते हैं और माल्यार्पण करते हैं और कार्यक्रम होता है। पिछले साल यहाँ पे 23 सितंबर को रक्तदान शिविर भी रखा गया था। इनकी मान्यता यहाँ लोक देवता के रूप में है, लोग मनोती मांगते हैं। हाँ, मांगते भी हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स भी मांगते हैं, वो अपना करते भी हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, शादी विवाह में भी यहाँ पे जात देने आते हैं और वैसे भी प्रसाद चढ़ाने आते हैं। स्टूडेंट्स है वो अपनी पढ़ाई का, पढ़ाई के बारे में जो भी है उनको करते हैं, तो फिर वो होते हैं, तो फिर वो लोग आते हैं यहाँ पे, मनोपूरी होती है जब वो लोग आते हैं सब। जोधपुर और मारवाड़ ही नहीं, पूरे राजस्थान के लोगों को हैफा हीरो दलपत सिंह पर गर्व है, और तो और उनको यहाँ लोक देवता तक माना जाता है, उनका परचा यानी चमत्कार माना जाता है। मानते हैं कि जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं वो यहाँ मनोती मांगते हैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए, और साथ ही दूसरे लोग भी अपनी कोई मनोती मांगने यहाँ आते हैं और मनोती पूरी होने पर प्रसाद भी चढ़ाते हैं। 900 भारतीय रणबांकुरों ने लिखी हाइफा मुक्ति की कहानी। विपरीत परिस्थितियों में दुश्मन को चटाई धूल। 1.25 लाख सैनिकों से जमकर लिया लोहा। मेजर दलपत सिंह के नेतृत्व में विजय हासिल की।
हाइफा में महज 900 भारतीय रणबांकुरों ने 1.5 लाख दुश्मनों की फौज को धूल चटाई। उस वक्त की बहादुरी की गूंज आज भी हाइफा में गूंजती है। वजह यह है कि इन्हीं सैनिकों की वजह से हाइफा को मुक्ति मिली थी। किसी ने सच ही कहा है कि भारत का सैनिक सेना में नौकरी करने के उद्देश्य से भर्ती नहीं होता, वो भर्ती होता है मातृभूमि पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए। वो अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग और अनुशासित रहते हुए देश की मिट्टी की रक्षा करते हैं। इंसानियत के दुश्मनों को धूल चटाने के लिए सदैव तत्पर होता है, यही वो भाव है जो हमारे बहादुर सैनिकों में 1.25 लाख से अकेले टकरा जाने का दम रखता है। और अंत में विजयश्री हासिल करता है। भारतीय सेना के इतिहास में अनगिनत उदाहरण देखने को मिलेंगे जिनमें विपरीत परिस्थितियों में दुश्मन को नाकों चने चबाकर हमारे जवानों ने किले फतेह किए हैं। केवल भारत ही नहीं, विदेशी धरती पर भी हमारे जवानों ने अपने रक्त से शौर्य गाथाएं लिखकर इस धरती के दूध की आन बान और शान बढ़ाई है। वैसा ही हाइफा शहर की आजादी के संघर्ष में 3 भारतीय रेजिमेंटों जोधपुर लॉन्सर्स, मैसूर लॉन्सर्स और हैदराबाद लॉन्सर्स के अप्रतिम योगदान रहे हैं। ब्रिटिश सेना के अंग के नाते लड़ते हुए इन भारतीय रेजिमेंटों ने अत्याचारी दुश्मन के चंगुल से हाइफा को स्वतंत्र कराया था, जिनके स्मृति शेष आज भी इसराइल में 7 शहरों में मौजूद थे। साथ ही मौजूद है उनकी कथा सुनाता एक स्मारक, जिस पर इजरायली सरकार और भारतीय सेना हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन वीरों को नमन करती है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों का योगदान। अंग्रेजों ने 3 रियासतों के सैनिकों को तुर्की भेजा। महज 1 घंटे में हाइफा शहर पर कब्जा। प्रथम विश्व युद्ध के वक्त भारत की 3 रियासतों मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद के सैनिकों को अंग्रेजों की ओर से युद्ध के लिए तुर्की भेजा गया। हैदराबाद रियासत के सैनिक मुस्लिम थे, इसीलिए अंग्रेजों ने उन्हें तुर्की के खलीफा के विरुद्ध युद्ध में हिस्सा लेने से रोक दिया। केवल जोधपुर और मैसूर के सैनिकों को युद्ध लड़ने का आदेश दिया गया। मारवाड़ के घुड़सवार ने जर्मन सेना की मशीन गनों का मुकाबला करते हुए इसराइल के हाइफा शहर पर महज 1 घंटे में कब्जा कर लिया था। इस युद्ध का नेतृत्व जोधपुर लांसर के मेजर दलपत सिंह शेखावत और कैप्टन अमान सिंह जोधा कर रहे थे। तलवार और भालों से लड़ी गई ये लड़ाई आधुनिक भारत की बड़ी और आखिरी जंग थी। इस जंग ने इसराइल राष्ट्र के निर्माण के रास्ते खोल दिए। उसके बाद 14 मई 1948 को यहूदियों का नया देश इसराइल बना। जोधपुर लांसर्स ने हाइफा के अंदर एक बहुत फेमस विक्ट्री अचीव करी थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
दिस हैपेंड ऑन 23 सितंबर 1918। सो यहाँ पे हर एक आदमी स्पेशली जोधपुर में जानता है कि जोधपुर लांसेस ने बड़ा नाम कमाया था प्रथम विश्व युद्ध में, हाइफा शहर को ऊपर एक विजय, बहुत ही फेमस कैवेलरी विक्ट्री अचीव करी थी। ये हाइफा शहर एक तरह से हाइट के ऊपर है, अबाउट 1000 to 1500 feet हाइट है इसकी। एक तरफ इस पे पहाड़ हैं, माउंट कार्मल है, दूसरी तरफ रिवर किसोन है। सो ये नेचुरली एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर डिफेंसेस लिए हुए थे तुर्की और जर्मन सोल्जर्स, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जोधपुर लांसेस को 15 कैवेलरी ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर थे ब्रिगेडियर सी आर हार्बर्ड, उन्होंने टास्क दिया था कि जोधपुर अटैक करेगा, मैसूर इस अटैक को सपोर्ट करेंगे और हैदराबाद वॉज इन रिजर्व। जोधपुर के इस अटैक के अंदर कमांडिंग ऑफिसर थे मेजर दलपत सिंह, जिनको कि 14 जुलाई 1918 को प्रीवियस बैटल के अंदर मिलिट्री क्रॉस मिल चुका था। प्लान ये था कि एंटर करेंगे हाइफा से, एक ही रास्ता था, एक बहुत ही डिफाइल बनती थी, विच डिफाइल इज अ नैरो पैसेज थ्रू विच द ट्रुप्स हैव टू पास टू एंटर दैट टाउन। दुश्मन ने उस डिफाइल के ऊपर 8-10 मशीन गने लगा रखी थी, उनको भी पता था कि अगर हाइफा में एंटर करेंगे तो दे हैव टू पास थ्रू दिस डिफाइल। मशीन गन वॉज ए एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव वेपन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट वॉज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू पास थ्रू दैट डिफाइल। मशीन गन के आगे भाले और तलवारें थी कमजोर, भालों और तलवारों ने किया तोपों और मशीन गन को पस्त। उस वक्त जोधपुर रियासत के घुड़सवारों के पास हथियार के नाम पर बहस, बंदूकें लैस यानी एक तरह का भाला और तलवारें थी। वहीं जर्मन सेना तोपों और मशीन गनों से लैस थी, लेकिन राजस्थान की रणबांकुरों के हौसले के आगे जर्मन तोप और मशीन गन के बारूद ठंडे बढ़ गए। हालांकि युद्ध के दौरान एक बार तो अंग्रेज कमांडर ने जर्मन और तुर्की की ताकत को भांपकर भारतीय फौज को वापस लौटने को कह दिया था। ये सुनते ही राजपूत रणबांकुरों का खून उबल पड़ा। मेजर दलपत सिंह ने कहा, यहां से पीठ दिखाकर लौटने नहीं आए हैं, वे हार कर अपने महाराजा को क्या मुंह दिखाएंगे। एक बार फिर से मेजर दलपत सिंह ने नए सिरे से रणनीति बनाई और दोगुने जोश से युद्ध जीत लिया। इसके बाद उन्होंने अलग दिशा से चढ़ाई शुरू की। इस दौरान मैसूर लांसर की सेना लगातार फायरिंग कर उन्हें कवर प्रदान कर रही थी। फिर एक घंटे चले इस युद्ध में मरुधरा के वीरों ने जर्मन सेना को धूल चटा दी। इस युद्ध में 1350 जर्मन और तुर्क कैदियों पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। इसमें 2 जर्मन अधिकारियों, 35 ऑटोमन अधिकारियों, 17 तोपखाने, बंदूकें और 11 मशीन गने भी शामिल थीं। इस दौरान 8 सैनिक और 60 घोड़े मारे गए, साथ ही 83 अन्य घायल हुए, जिनमें मेजर दलपत सिंह भी शहीद हुए थे। जिसके बाद मेजर दलपत सिंह को मिलिट्री क्रॉस ऑफ कैप्टन अमान सिंह जोधा को सरदार बहादुर की उपाधि दी गई। दोनों को IOM यानी इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट और OBE
यानी ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। अमान सिंह के पोते ब्रिगेडियर एमएस जोधा हैफा वार पर रिसर्च कर रहे हैं। उनको अपने दादाजी की उपलब्धि पर गर्व है। उनको ही नहीं पूरे मारवाड़ के लोगों को अपने इन घुड़सवार वीरों की बहादुरी पर गर्व है। देवली के राजपूत परिवार में जन्म 23 जनवरी 1882 में जन्म। ईस्टबर्न कॉलेज से शिक्षा। नाउ 6 मार्च 1924 को वाइसरॉय ने इसको इनॉग्रेट किया। 3 ऑफिसर और 12 सवार इन तीनों रेजिमेंट के 6 मार्च 1924 को दिल्ली में बुलाए गए थे। तीनों महाराजाज को भी इनविटेशन दिया था वाइसरॉय ने कि इस इनॉग्रेशन पे आइए, लेकिन किसी कारण तीनों महाराजा उस दिन इनॉग्रेशन में नहीं आए और उनके रिप्रेजेंटेटिव 3 ऑफिसर्स एंड 12 सवार वर प्रेजेंट। माई ग्रैंडफादर वॉज प्रेजेंट एट द इनॉग्रेशन एंड वॉज गिवन द ऑनर टू ले द फर्स्ट रीथ देयर आफ्टर द वाइसरॉय बिकॉज ही गॉट द हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। और क्योंकि ये एक ऐसा मेमोरियल है जो कि इम्पीरियल न्यू दिल्ली में अभी भी बचा हुआ है, बाकी इम्पीरियल इंडिया के सब स्टैचूज हटा लिए, बिकॉज प्योरली दीज आर दिस इज ए मेमोरियल विच कमेमोरेट्स इंडियन सोल्जर्स विक्ट्री। दीज आर 3 अननोन सोल्जर्स ऑफ मैसूर हैदराबाद एंड जोधपुर। ये तीनों अपने अलग अलग यूनिफॉर्म के अंदर अननोन सोल्जर हैं ये तीनों रेजिमेंट। शहीद दलपत सिंह पाली के जागीरदार ठाकुर हरि सिंह शेखावत के घर 26 जनवरी 1882 को जन्मे थे। वो ठाकुर हरि सिंह शेखावत के इकलौते पुत्र थे। ठाकुर दलपत सिंह को पढ़ाई के लिए जोधपुर के शासक सर प्रताप ने इंग्लैंड भेजा था। 18 साल की उम्र में वे जोधपुर लांसर में बतौर घुड़सवार भर्ती हुए और बाद में मेजर बने। डिंगल भाषा के साहित्यों में आज भी उनकी वीर गाथाएं मौजूद हैं। वहीं भारतीय सेना उनकी शहादत की स्मृति में हर साल हाइपा हीरो दिवस मनाती है। शहादत के बाद राजपूताना रेजिमेंट के सम्मान में दिल्ली के लाल किले में भारत के वायसराय ने अमर शहीद मेजर दलपत सिंह के चित्र का अनावरण किया था। इस सम्मान में सम्मानित होने वाले वे मारवाड़ के प्रथम सैनिक हैं। तत्कालीन महाराज उमेद सिंह ने मेजर दलपत सिंह की स्मृति में चांदी की प्रतिमा बनवाकर जोधपुर लांसर्स को भेंट की। ये प्रतिमा 61वीं केवलरी जयपुर का गौरव बढ़ा रही है। शहीद दलपत सिंह की जीवनी को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। इस तरह से दिल्ली के त्रिमूर्ति भवन के सामने 3 घुड़सवार सैनिकों में से एक मूर्ति मेजर दलपत सिंह शेखावत की है। भारतीय सेना इस दिवस को बड़े सम्मान से मनाती है। ललित परिहार और मनोहर सोलंकी, इंडिया न्यूज, राजस्थान।